नमस्कार, एमपी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज है महायोग का दिन, पुष्य नक्षत्र का दिन। जी हाँ, हिंदू संस्कृति में पुष्य नक्षत्र को बेहद ही शुभ माना गया है और माना जाता है कि इस दिन यदि कोई खरीदारी की जाती है, कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, तो उसका मान लगभग 13 गुना बढ़ जाता है। हालांकि ये तो सिर्फ एक जानकारी हम तक है, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे पुष्य नक्षत्र का महत्व क्या है, किस तरह से इसका लाभ उठाया जा सकता है। इन्हीं सब जानकारियों के लिए चलिए बात करते हैं महान ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित श्री रामचंद्र शर्मा वैदिक से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ की टीम की ओर से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पुष्य नक्षत्र क्यों इतना खास है, क्या महत्व है पुष्य नक्षत्र का। दीप पर्व के पूर्व खरीदारी का शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र 23 घंटा 6 मिनट तक रहेगा। आज सायं 5:31 तक 31 मिनट से पुष्य नक्षत्र का आगाज सोम पुष्य के साथ होगा। वहीं कल भौम पुष्य यानी मंगलवार को सायं 4:38 तक यह नक्षत्र रहेगा। इस वर्ष दीप पर्व की जो खरीदारी है, दीप पर्व के ठीक 4 दिन पूर्व पुष्य नक्षत्र का आगाज अहोई अष्टमी को हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। वहीं सिद्ध और साध्य योग भी जो है निर्मित हो रहा है। स्वराशि का शुक्र इस योग को चमकदार बना रहा है। सामान्यतः दीप पर्व की खरीदारी पुष्य नक्षत्र में होती है। आज पुष्य नक्षत्र सायं 5:31 से प्रारंभ होगा, जो 23 घंटा और 6 मिनट तक रहेगा। सोम पुष्य के अंदर चांदी के सिक्के, स्वर्ण आभूषण, घरेलू उपकरण, वाहन, शिल्पकला की सामग्री, पूजा की सामग्री, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती के सिक्के, बही खाते इस मुहूर्त में खरीदे जाएंगे। जी, तो महायोग का दिन, तो ये दिन जो है वो बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ पुष्य नक्षत्र नहीं बल्कि ये दिन आया है सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ। यानी इस दिन किया गया कोई भी कार्य हो, कोई भी खरीदारी हो, वो आपके लिए अत्यंत ही शुभकारी होगी। आचार्य जी, यहाँ पर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या इस दिन किसी तरह के पूजा पाठ का महत्व है, किसकी पूजा करना लाभकारी होगा, या कोई सी ऐसी विधि विधान आप हमको अगर बताना चाहें जिससे जो दर्शक है वो इस योग का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। इस वर्ष जो पुष्य नक्षत्र आया है, पुष्य नक्षत्र का स्वामी जो है वो बृहस्पति है। वहीं यदि हम फलित ग्रंथों की बात करें तो इस नक्षत्र का स्वामी शनि है। गुरु पुष्य नक्षत्र में जो खरीदी है उसको शुभता प्रदान करेगा, वहीं शनि जो है पुष्य नक्षत्र की खरीदी को स्थिरता प्रदान करेगा। पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा जो है कर्क राशि का होता है, तो चंद्रमा चांदी की खरीदी के लिए अत्यंत शुभ और प्रशस्त माना गया है। वहीं बर्तन की खरीदारी भी होगी। भौम पुष्य यानी कल जो है भौम पुष्य रहेगा सायं 4:38 तक। इस नक्षत्र में जमीन, भूमि, भवन इसकी खरीदारी जो है अत्यंत शुभ मानी गई है। रियल इस्टेट में धन भी निवेश किया जा सकता है। वहीं जो है यह नक्षत्र जो है प्रेम प्रसंगों में सफलता के साथ प्रगाढ़ता भी प्रदान करेगा। जो विवाह योग्य युवक युवतियां हैं वे यदि प्रेम प्रसंग में सफलता और प्रगाढ़ता चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र का उपयोग, सोम पुष्य और भौम पुष्य का उपयोग करें। समृद्धि कारक पुष्य नक्षत्र में की गई सभी प्रकार की खरीदारी
अत्यंत शुभ मानी गई है। आप फर्नीचर खरीद सकते हैं, किसी भी प्रकार का ड्यूरेबल आर्टिकल्स खरीद सकते हैं, शिल्प कला चित्रकला की सामग्री खरीद सकते हैं। वहीं जो है औषधि निर्माण, जो गंभीर बीमारियां होती है, असाध्य रोग होते हैं, उनकी जो महा औषधि तैयार होती है, उसके लिए पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं पुष्य नक्षत्र में गड़ा हुआ जो धन होता है, उसको निकालने के लिए भी यह नक्षत्र जो है अत्यंत शुभ और प्रशस्त माना गया है। समृद्धि कारक में खरीदी गई पुष्य नक्षत्र की खरीदारी शुभता के साथ स्थिरता प्रदान करेगी। ज्योतिष की यदि हम चर्चा करें तो 27 नक्षत्रों में यह आठवां नक्षत्र है और इसे नक्षत्रों के राजा की संज्ञा दी गई है। लघु और क्षिप्र नक्षत्र जो है यह ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है, अत्यंत शुभ माना गया है। केवल विवाह के अंदर पुष्य नक्षत्र को वर्जित किया गया है, बाकी सभी कार्यों के अंदर इसमें आप जो है नए कार्य का शुभारंभ भी कर सकते हैं, नए मकान का शुभारंभ भी कर सकते हैं, नए भवन का शुभारंभ भी कर सकते हैं। तो सब मिलाकर पुष्य नक्षत्र जो है नक्षत्रों को राजा और इसे शेर की संज्ञा दी गई है। तो देखा आपने कि बड़ी सरल सी विधि विधान के साथ आप देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और ख़ास तौर पर खरीदारी कर सकते हैं पुष्य नक्षत्र के दिन पर। चाहे आप आभूषण खरीदना चाहें, बर्तन, कपड़े, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ आप खरीदना चाहेंगे उसमें कई गुना की वृद्धि हो सकती है यदि आप पुष्य नक्षत्र के खास मुहूर्त में ये खरीदारी करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और ये सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। एक बार फिर एमपी न्यूज की टीम की ओर से पुष्य नक्षत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की कतार लगातार, एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।